बराक घाटी के सिलचर स्थित आईएसबीटी से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक लावारिस बैग से 2 पिस्तौल, गोलियों के साथ कई आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की है। लावारिस बैग की सूचना मिलते ही तारापुर चौकी के आईसी राजू डे व उनकी टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। नोटिस लाइव से बात करते हुए आईसी राजू डे ने बताया कि एएसटीसी की एक बस जो त्रिपुरा के धर्मनगर से होते हुए सिलचर पहुंची थी, उस बस से यह लावारिस बैग बरामद हुई है। सीट नंबर 25 और 26 के नीचे इस बैग को रखा गया था। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ये बंदूक किसकी है, कोई जान लगाई, कहां से आया है, ये क्या सामान किसका है? एक्चुअली हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला है जो आज धर्मनगर से एक अंडर एएसटीसी बस जब रिटर्न आया है सिलचर में, सिलचर एएसटीसी बस स्टैंड में आया है, जब हैंडीमैन वो साफ कर रहा था तो सीट नंबर 26, 25 एंड 26 इसमें नीचे में एक बैग मिला था, तो वो जल्दी उनका मालिक को बोला था जो सारा ऐसा ये बैग अबैंडन था क्या? अबैंडन था। सीट में कोई आदमी था क्या? कोई आदमी, जब सब आदमी चल गया है तब जो वो क्लीन कर रहा था अंदर बस का अंदर, तो उस टाइम में ही एक बैग मिला है। क्या क्या सामान मिला बैग से? इसमें बैग में 2 पिस्तौल मिला है, .22 पिस्तौल, कुछ लाइव एमुनेशन है और एक एमुनेशन बूट मिला है, एक राउंड शीट मिला है, एक अठुआ मिला है और एक बैग मिला है। तो ये जो त्रिपुरा से गाड़ी आ रही थी एसटीसी बस, आप एसटीसी बस त्रिपुरा से आ रही थी? त्रिपुरा मतलब धर्मनगर से। धर्मनगर से आ रही थी एसटी के बस। अच्छा, तो और वो जिस सीट के नीचे वो था, वो वहाँ से कोई आदमी था नहीं? बैग ऐसे ही छोड़ के चला गया। आपको अभी तक जब हमको अभी तक इतना पता है, जो हैंडीमैन जो मतलब अंदर साफ कर रहा था वो 25-26 सीट का नीचे में ये बैग पड़ा हुआ मिला, तो ये उसका मालिक को, जो गाड़ी का मालिक है वो मालिक को खबर दिया है, तो मालिक अकॉर्डिंगली आईएसबीटी आके आईएसबीटी का जो स्टेशन सुपरिंटेंडेंट है उनको बात बोला है। तो स्टेशन सुपरिंटेंडेंट हमको इन्फॉर्म किया है थोड़ा एक बात है, आप जल्दी आ जाइए, तो हम आके वो लोग हमको ये बैग दिखाया है, तो बैग सर्च करके वो 2 पिस्तौल। ये काफी सनसनीखेज वारदात है, अगर ऐसा लाइव एमिनेशन मिलता है तो अभी आपके प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला है आपको? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इंक्वायरी करेंगे, जो भी वो लेके आया है वो जल्दी हम लोग पकड़ा जाएगा।